अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी ने सभी बूथों को मजबूत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया और इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सीएम धामी ने दावा किया है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रदेश की सभी सीटें जीतेगी। देहरादून के भाजपा मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महाजनसंपर्क अभियान के कार्यक्रमों की चर्चा हुई और महाजनसंपर्क अभियान की तारीखों को मंजूरी भी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और दावा किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी 2014 और 2019 की ही तरह प्रदेश की सभी सीटें जीतेगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के लिए अभूतपूर्व निर्णय लिए गए और ये ऐसे निर्णय थे जिससे आम जनता को सीधे तौर पर लाभ मिला है। सीएम ने कहा कि हम प्रधानमंत्री के निर्णय को जन जन तक पहुंचाएंगे और पार्टी के सभी बूथों को जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने 9 सालों का कालखंड पूरा किया है और इस 9 साल के कालखंड में अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो आम जनता को, सामान्य जनता को, गरीबों को, पिछड़ों को और जो समाज के अंतिम छोर में लोग रहते थे उन सबको जिन योजनाओं की आवश्यकता थी, जिन नीतियों की आवश्यकता थी, जिन कार्यक्रमों की आवश्यकता थी, वो सारे कार्यक्रम इन 9 सालों में देश की जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में समर्पित किया गया है। बैठक की जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमारा लक्ष्य एक ही है कि उत्तराखंड के अंदर चाहे जो भी चुनाव हो हमारी पार्टी 51% वोट कैसे हासिल कर सकती है, इसी मुद्दे पर हमने चर्चा की है। वहीं हमने प्लान तैयार किया है कि प्रदेश में जितने भी कार्यक्रम होंगे सभी कार्यक्रमों में सांसद हिस्सा लेंगे। प्लान की दृष्टि से हमारी पदाधिकारी बैठक थी और लक्ष्य एक ही रखा कि उत्तराखंड के अंदर 51% वोट, चाहे वो नगर पालिका चुनाव हो, चाहे हमारे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे बागेश्वर का उपचुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी 51% वोट मत कैसे प्राप्त कर सकती है, उस दृष्टिकोण के कार्यक्रम की रचना हमने की है। इसमें हमने मुख्य रूप से अपने सांसदों पर केंद्रित कार्यक्रम की का स्वरूप दिया है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।